दोस्तों ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं और बहुत सारे ट्रेडर्स उनको सिंपली वे में यूज करना भी जानते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इंडिकेटर्स को यूज कैसे करना है और इंडिकेटर्स को प्रोफेशनल वे में प्रोफेशनल सेटिंग्स के साथ कैसे यूज करना है, इन दोनों स्टेटमेंट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत दफा ऐसा होता है कि इंडिकेटर आपको सेल सिग्नल दे रहा होता है कि यहाँ से आप सेल करके निकल जाओ मार्केट से, लेकिन वहीं से जो प्राइसेस हैं वो अप चली जाती हैं, या इंडिकेटर आपको बाय सिग्नल दे रहा होता है लेकिन प्राइसेस डाउन चली जाती हैं। एंड दैट्स ट्रू। आज मैं आपको इंडिकेटर्स की कुछ ऐसी प्रोफेशनल सेटिंग्स बताने जा रहा हूँ, सीक्रेट सेटिंग्स बताने जा रहा हूँ, जिससे अगर आप 100 ट्रेड्स ओपन करते हैं ना तो उनमें से 95 ट्रेड्स सक्सेसफुल रहेंगे। दैट्स मीन के 95 ट्रेड्स आपको प्रॉफिट देंगी और आपको स्ट्रॉन्ग बाय और स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल्स भी मिल जाएंगे। सीक्रेट रेसिपी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करना चाहते हैं, कोई भी करेंसी का एनालिसिस करना चाहते हैं या क्रिप्टो करेंसी का करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पहला स्टेप क्या होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे www.tradingview.com। ठीक है, मेरा जो ब्राउज़र है वो uk.tradingview.com का है। आप लिखोगे, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या अदर कंट्री से, आप लिखोगे www.tradingview.com। यहाँ पे आके आप कोई स्टॉक का नाम सेलेक्ट कर लें जिसका भी आपने एनालिसिस करना है या करेंसी का नाम सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया इथेरियम यूएसडीटी और एडी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अभी मैं आने लगा हूँ सेटिंग्स की तरफ। ठीक है, सेटिंग पे आने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सिंपल सा क्वेश्चन। फर्ज करें कि एक पर्सन ने कोई पेन है, पेन की एग्जांपल लगा लें, या एक्स वाई जेड कोई स्टॉक है, वो $10 में खरीदा है, $10 उसकी जो बाइंग प्राइस है। ठीक है, और उसने उस सेल किया है उसी स्टॉक को या उस करेंसी को $100 में। ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी स्टॉक है, $10 में बाय किया था, उसकी बाइंग प्राइस $10 है, सेल किया उसने यहाँ पीक पे आके $100 में। अब मुझे ये जवाब दीजिएगा कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। 5 सेकंड है आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5। आई गेस के 95% आप में से जो व्यूअर्स हैं उनका आंसर होगा कि उसको $90 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल ट्रेडर है जो कि $90 प्रॉफिट कमा के निकला है इस ट्रेंड से, ये जो अब ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ना, वो यहाँ से यहाँ प्राइस तक पहुँचने में वो $90 नहीं, वो 130 या 140 जो डॉलर है उसका प्रॉफिट निकालेगा। वो $90 के प्रॉफिट पे नहीं होगा, वो $140 या $150 के प्रॉफिट पे होगा। ये कैसे पॉसिबल है, है ना, माइंड ब्लोइंग बात। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो में यही बातें डिस्कस करी जाएंगी और इसके अलावा अप ट्रेंड में भी ये सेटिंग्स काम करेंगी, आपको मीन आपको प्रॉफिट देंगी और डाउन ट्रेंड में भी प्रॉफिट देंगी। आप अब हैरान हो रहे होंगे, प्राइसेस तो नीचे गिर रहे होंगे, तब हम कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस ड्राइंग को फिलहाल के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि चार्ट जो है वो क्लियर हो जाए। स्टेप नंबर वन, जैसे आपने कोई स्टॉक या कोई भी करेंसी सेलेक्ट कर ली, आपने उसका फुल फीचर जो है ना वो हमेशा याद रखिएगा, आपने जो चार्ट ओपन करना है ना वो फुल फीचर चार्ट ओपन करना है। ये ऐसा चार्ट ओपन होगा कैंडल्स के साथ वाला। ठीक है, यहाँ पे आपने सबसे पहले इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है, ये इंडिकेटर है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 आवर के लिए आप टाइम फ्रेम सेट करोगे। ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म में बहुत ही एक्सीलेंट प्रॉफिट देता है। इंडिकेटर पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही इंडिकेटर की विंडो पॉपअप होगी तो उसमें से आप सिलेक्ट करोगे इंडिकेटर में। आपको 3 तरह के हम इंडिकेटर्स लगाएंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स के साथ। यहाँ पे आप लिखोगे MACD। आप परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिंपल MACD नहीं बताने वाला कि जी यहाँ से ऊपर हुआ, क्रॉस ओवर हुआ तो बाय करना है, क्रॉस डाउन हुआ तो सेल हुआ, नहीं। अभी ये आपको प्रोफेशनल वे में आपको बताने लगा हूँ कि MACD को कॉम्बिनेशन हमने यूज करना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ, उसकी भी हमने सेटिंग्स चेंज करनी है। अच्छा, इसका एक और भी फायदा है, ये जो मैं आपको सेटिंग्स बताने वाला हूँ ना, इससे जो फेक सिग्नल्स आते हैं ना कि आपको बाय सिग्नल दे रहा है वो सेल हो, सेल नीचे चला जाता है, मार्केट में डाउन चली जाती है, या आपको फेक सिग्नल मिल रहा होता है, इंडिकेटर कह रहा होता है कि इसको सेल कर दो, वो मार्केट ऊपर चली जाती है, आपको ये फेक सिग्नल्स भी मिल जाएंगे इसमें से। आपको पता चल जाएगा कि मैंने अभी मार्केट से एग्जिट या एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, ये लग गया जी, अप्लाई हो गया MACD इंडिकेटर। आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप EMA इंडिकेटर पुट इन करोगे। ठीक है, यहाँ पे EMA सिंपल मूविंग एवरेज नहीं आपने करना है, SMA या MA मूविंग एवरेज नहीं आपने यूज करना, आपने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये वाला जो है ना ये आपने सिलेक्ट करना है।
एक दफा क्लिक करना है, याद कीजिए, याद रखिएगा, दो दफा आपने सेलेक्ट नहीं करना है वरना दो लग जाएंगे और फिर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अदरवाइज आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा कि तीन इंडिकेटर्स अगर आप ज़्यादा लेते हो ना तो आपको ट्रेडिंग में पेड वर्जन लेना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप कभी भी पेड वर्जन ना लीजिएगा, तीन इंडिकेटर्स के साथ अच्छा खासा एनालिसिस हो जाता है, बायंग एंड सेल सिग्नल्स मिल जाते हैं। ज़्यादा इंडिकेटर लगाओगे तो वैसे भी आप कन्फ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, ठीक है, इतना समझ आ गया, स्टेप नंबर वन आपने स्टॉक सेलेक्ट करना है या कॉइन सेलेक्ट करना है, स्टेप नंबर टू आपने MACD इंडिकेटर लगा लेना है, स्टेप नंबर थ्री आपने EMA इंडिकेटर लगाना है, स्टेप नंबर फोर EMA इंडिकेटर के ऊपर डबल क्लिक करना है, इस लाइन के ऊपर आके आपने डबल क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने इनपुट्स में जाना है, ये पहला स्टाइल ओपन होगा, इनपुट्स में जाना है, क्लिक करना है, नाइन सेटिंग है, आपने यहाँ पे 18 कर देनी है, 18 ओके हो गया, ओके कर दें, ठीक है, इसकी सेटिंग्स 18 हो जाएगी और ये थोड़ा सा इसके प्लेस चेंज हो जाएगी। दोबारा आपने इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद वही सेम मेथड में आपने EMA इंडिकेटर को सिलेक्ट करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, याद रखिएगा EMA, ठीक है, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया, ठीक, इसको आप क्रॉस कर दें, खत्म कर दें। अब आपने क्या करना है, इसकी जो आपने सेटिंग थी ना वो आपने क्या की थी, आपने 18 रखी है, इसकी सेटिंग डिफॉल्ट सेटिंग 9 है, उसको 9 ही रहने देना है, लेकिन आपने काम करना है ताकि आप इन कलर्स के चक्रों में कंफ्यूज ना हो जाओ। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा, सिंपल वे में जो हमारे फेवरेट कलर है ना, रेड एंड ग्रीन में उनको चूज करूंगा। जो ऊपर वाली लाइन है ना, इसको आप कर लो ग्रीन, सिंपल इज दैट, ताकि पता चलता रहे कि ये एक बुलिश लाइन है, और यहाँ से आप इसको विजिबिलिटी के लिए लाइन को मोटा भी कर सकते हो, ठीक है, ओके हो गया, ओके कर दें, सिंपल इज दैट, यहाँ तक समझ आ गई। इसके बाद जो नीचे वाली लाइन है ना, इस पर फिर आपने डबल क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे रेड कर दो इसको और ये सेलेक्ट करें, एंड दैट्स इट, योर जॉब इज डन, सही। उसके बाद आप इसकी भी सेटिंग्स चेंज कर लें, क्योंकि ये भी तो बाय एंड सेल सिग्नल ही शो कर रहा है ना, ये भी एक किस्म के एक मूविंग एवरेज की तरह ही दो लाइन है, तो वाई नॉट आप इसको इसके साथ मैच कर लो। सेम उसी तरह जिस तरह आपने इसकी सेटिंग्स चेंज की है ना, आपने क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है सबसे पहले ऊपर वाली लाइन पे, ठीक है, ये दोनों, वैसे दोनों में से जिसको भी आप ओपन करोगे यही लाइन ओपन, यही सेटिंग्स आएंगी आपके सामने। इनपुट्स आपने नहीं छेड़ने, जो भी इनपुट है 12, 26, 9 इसको आपने वैसे ही रहने देना है। स्टाइल में आपने जाके क्या करना है कि MACD, ठीक है, ये जो है इसको आप ग्रीन कर लो, सेम सेटिंग्स आपने ऊपर वाले चार्ट की तरह करनी है, कलर्स वाली, और इसको थोड़ा सा यहाँ से मोटा कर लो, दैट्स इट, और जो सिग्नल वाली लाइन है इसको आप कर लो रेड। वीडियो को आप दोबारा देख लेना इन सेटिंग्स को, अगर ये सेटिंग सही तरह नहीं ना हुई तो फिर डेफिनेटली आपका इंडिकेटर कलर लग जाएगा, आपको नुकसान हो सकता है, सिंपल इज दैट, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले स्टॉक सेलेक्ट किया, स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि MACD इंडिकेटर लगाना है, उसके बाद आपने क्या करना है, EMA इंडिकेटर लगाना है, उसकी सेटिंग 18 करनी है, फिर सेकंड EMA लगाना है, उसकी सेटिंग 9 करनी है। सेटिंग 9 चेंज करने के बाद कलर डिफॉल्ट आप अपनी मर्जी का कोई भी रख लें, मैंने रखा है ग्रीन एंड रेड ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अभी गौर करने की बात है, आपने क्या करना है, सिंपल आपको ये तो पता होगा ना कि ये जो बुलिश लाइन है, ये वाली ग्रीन वाली जो लाइन है, अगर ये क्रॉस ओवर होगी तो डेफिनेटली हमें MACD कहता है कि हमने बाय करना है, राइट, यही है ना, यही इंटरप्रिटेशन है ना MACD की, कि जैसे ही ग्रीन लाइन ऊपर आई, बुलिश लाइन ऊपर आई, आपने जितनी देर तक ये ऊपर रही, हिस्टोग्राम ऊपर बनते रहे, आपने मार्केट में टिके रहना है। जैसे ही क्रॉस डाउन हुआ, जैसे ये मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको MACD अगर नहीं भी आते उसका भी पता चल जाए, जैसे ही ये ग्रीन लाइन बुलिश लाइन ऊपर रही आपने मार्केट में टिके रहना है, जैसे ही क्रॉस डाउन हुआ, रेड ऊपर हो गई, ग्रीन नीचे हो गया, आपने मार्केट से एग्जिट कर देना है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि MACD आपको ये बता रहा होता है कि आप यहाँ से एग्जिट कर दें, लेकिन उधर से कैंडल और ज़्यादा ऊपर चली जाती है, जहाँ पर आपको 10% प्रॉफिट होता है वो नहीं मिलता, आप सेल करके निकल जाते हैं, क्योंकि आपको फेक सिग्नल शो कर रहा होता है MACD, और मार्केट वहीं से ऊपर चली जाती है जहां पे 10% प्रॉफिट मिलना होता है, वहां पे आपको जाके मिलता है 30% प्रॉफिट मिलना होता था, ठीक है, इसलिए आपको नुकसान हो सकता है डेफिनेटली। कहाँ भी आपको 30% प्रॉफिट मिलना था और आपको फेक सिग्नल से आप आउट हो गए, 10% प्रॉफिट मिला, तो ये सिंपल इंटरप्रिटेशन है।
हैं। बाइंग सिग्नल तब होता है जब ये ग्रीन लाइन ऊपर आ जाए, हिस्टोग्राम ऊपर बनने शुरू हो जाए, ठीक है, तब तक आपने मार्केट में टिके रहना है। जैसे ही ये रेड ऊपर हो गई, सिग्नल वाली लाइन ऊपर हो गई, ये ग्रीन लाइन नीचे हो गई, इसको क्रॉस डाउन बोलते हैं, तो इसका मतलब मार्केट से आउट हो जाना है। सिंपल इज दैट एमएसीडी में यही, और कोई खास नहीं है एमएसीडी में। और यही सेम इंटरप्रिटेशन इस लाइन की भी, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, जो मैंने आपको बताया है कि जितनी देर तक ये ग्रीन लाइन ऊपर है आपने मार्केट में टिके रहना है। जैसे क्रॉस डाउन हुआ, रेड ऊपर हो गई, ग्रीन नीचे आ गई, आपने मार्केट से आउट कर जाना है। सिंपल इज दैट, आपने चीजों को सिंपल रखना है, मुश्किल है। यहां तक समझ आ गई, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आपने गौर करना है, मैं आपको इंटरप्रिटेशन बताने वाला हूँ। ये अब जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। इसमें आपको ब्रीक ब्रीक बातें भी बताऊंगा, ऐसे ही मैं स्टूडेंट्स को भी टीच करता हूँ जो मुझसे टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं। बड़ा ही आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि 12 साल का बच्चा भी सीख जाए, इतनी आसान वे से मैं सेटिंग्स वगैरह उनको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इतना हो गया, आपने एक रूल बनाना है, ठीक है, लिख लें इसको। हिस्टोग्राम, ये इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं, ठीक है, हिस्टोग्राम ग्रीन ये वाले और रेड हिस्टोग्राम। अगर यहां से क्रॉसओवर हुआ, ग्रीन लाइन ऊपर हुई, रेड लाइन नीचे हुई, एक इंडिकेशन, दूसरा हिस्टोग्राम ऊपर बनना शुरू हो गए। ऊपर से चार्ट में भी आप देखें, यहां से भी क्रॉसओवर हुआ, बुलिश लाइन ऊपर हुई, बेरिश लाइन नीचे हुई, तीन आपको वेरिफिकेशन मिल जाएंगे। पहली वेरिफिकेशन ईएमए से, दूसरी वेरिफिकेशन एमएसीडी से, तीसरी वेरिफिकेशन के हिस्टोग्राम ऊपर बन रहे हैं, पॉजिटिव हिस्टोग्राम ऊपर बन रहे हैं। जब ये तीन चीजें इकट्ठी हो जाए, स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल है, आपको प्रॉफिट होने के चांसेस 99% हो गए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हिस्टोग्राम ऊपर बने, क्रॉसओवर ऊपर हुआ, एमएसीडी में भी हुआ, और क्रॉसओवर यहां से ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में भी हुआ, जो सेटिंग्स 89 की बताई है आपको, आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल दे रहा है। एंटर कर जाए, आंखें बंद करके आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, 99%। सिर्फ 1% ऐसे है कि शायद मार्केट एकदम से वहां से मैनिपुलेट हो जाए तो आपको शायद लॉस हो जाए, लेकिन आपको ये भी बताएगा कि एग्जिट कर जाए। ये एक रूल हो गया। रूल नंबर टू, जिन बातों का आपने ख्याल करना है, यहां से आपको क्रॉस डाउन दिखाया, अगर मार्केट ने क्रॉस डाउन हो गया एमएसीडी में, क्रॉस डाउन उलट, उससे बिल्कुल उलट, यहां से क्रॉस डाउन हुआ, हिस्टोग्राम रेड बनना शुरू हो गया, एक दो तीन रेड बन गए, और इधर से भी क्रॉस डाउन आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग इंडिकेशन है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल है, मार्केट से आउट हो जाए, ठीक है। अभी आपको मैं आगे जाके ये भी बताऊंगा कि आपने फेक सिग्नल्स कैसे पकड़ने हैं, कि आपको आपको इंडिकेटर बता रहा होगा मार्केट से निकल जाए, लेकिन आपने नहीं निकलना क्योंकि आपको मजीद प्रॉफिट मिलना है, या आपको कहेगा बाय कर लो, आपने बाय नहीं करना है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली चलना है। मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती है, इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको दिए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम क्रिप्टो नोट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, ये मेरा अगर आप पिक्सल देख पा रहे हो, ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, और ये देखें यहां पे क्रॉस ओवर है, अभी मैं आपको बता के हटाऊं, यहां पे ये देखें हिस्टोग्राम भी ऊपर बनना शुरू हुए और ये भी क्रॉस ओवर है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल है। इस टाइम पे प्राइस क्या थी, 143, ये देखें यहाँ पे आपने देखना है यहाँ पे, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दूं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, राइट, ये देखें यहाँ से भी क्रॉस ओवर है, यहाँ से भी क्रॉस ओवर है, और यहाँ पे क्या हुआ कि हमें ये जो हिस्टोग्राम ये भी ऊपर मिल रहे हैं, और इस टाइम पे प्राइस क्या थी वो मैं आपको यहाँ से ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है, ओ, 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 ये है अप्रोक्सीमेट, राइट, कितनी है 143 यूएसडी, और ये स्टॉक में भी ऐसे ही होगा, अभी मैं इसको रिमूव करने वाला हूँ, ठीक है। 143 पे आपने एंट्री ली, आपने इसमें बने रहना है जितनी देर तक ये जो है ऊपर बनी रही लाइन, बुलिश लाइन, आपने मार्केट में टिके रहना है, और इधर से इसको भी वेरीफाई करते जाना है, और इधर से हिस्टोग्राम भी देखते रहना है कि ऊपर ही बन रहे हैं, नीचे तो नहीं बनना स्टार्ट हुए, राइट। ये देखिएगा अभी मार्केट यहाँ पे आ चुकी है, कितना एक्सीलेंट प्रॉफिट हुआ आपको, आप अगर 166 पे जाके
इसने तो ये देखें यहाँ पे अभी भी नहीं उसने बताया, यहाँ पे एमएसीडी, अब आपने यहाँ पे गौर करना है ठीक है। एमएसीडी ने यहाँ पे आपको निकाल दिया है, सही। एमएसीडी कह रहा है यहाँ से आप सेल कर दो, लेकिन हिस्टोग्राम भी नीचे बनना शुरू हो गया, लेकिन थर्ड वेरिफिकेशन हमें नहीं मिली है इसकी, इसका भी मिलना जरूरी है ठीक है। आपने मार्केट में टिके रहना है। यहाँ पे आके फाइनली ईएमए ने भी आपको बता दिया कि भाई मार्केट से अभी एग्जिट कर जाना है। और अगर आप देखो कि यहाँ पे जहाँ पे सिग्नल दिया था ये वाला, अगर मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये देखें यहाँ से एग्जैक्टली ठीक है, एक ऊपर भी करता हूँ, ये देखें ये जो है लाइन, आप इस लाइन को देख पा रहे होगे, यहाँ पे प्राइस क्रॉस डाउन हमें मिला था और प्राइस यहाँ पे थी 166 ठीक है। 143 पे आपने एंटर किया था, 166 पे वो एमएसीडी ने आपको कह दिया कि भाई मार्केट से अभी आप एग्जिट कर जाओ, लेकिन हमें मूविंग एवरेज ने अभी तक नहीं बताया है कि मार्केट से एग्जिट कर जाओ। 166 पे ऑलरेडी इसने बता दिया, और मूविंग एवरेज ने हमें जाके बताया है 164.71, 165 पे बताया, मीन के $1 तक उसने वेरीफाई किया कि अभी मार्केट में टिके रहना है कि बने रहना है कि सेल कर देना है। $1 का डिफरेंस इतना बड़ा नहीं, जहां पे आपको 23 या $24 प्रॉफिट हो रहा है, वहां पे $1 वेट कर लेना बेहतर होता है कि हो सकता है मार्केट ऊपर जाए ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सेकंड वेरिफिकेशन मिली आपने मार्केट से आउट कर जाना है। वेरिफिकेशन नीचे हिस्टोग्राम बन रहे हैं, ऑलरेडी इसने आपको बता दिया था $1 पहले कि आपने मार्केट से एग्जिट कर जाना है, क्रॉस डाउन हो चुका है, रेड लाइन ऊपर आ चुकी है, और यहाँ से जो लाइन है उसने भी आपको क्रॉस डाउन शो कर दिया है, तो आपने एग्जिट कर जाना कर देना ठीक है। सिंपल इज दैट। आगे बढ़ते हैं और ज्यादा इंटरप्रिटेशन पकड़ते हैं। रूल नंबर 4, जैसे ही ये ऐसे कट कर रही हो ना लाइन, तो आपने वहां पे एंट्री नहीं लेनी है अंटिल के स्पेस बढ़ जाए। जैसे यहाँ पे स्पेस है ना, आप देख रहे हो ये वाली जो स्पेस है ना, जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगी। ये जो स्पेस है ना, इसको आपने लाजमी कंसीडर करना है, जितनी ज्यादा स्पेस होगी इनके दरमियान में उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल होता है। लेकिन जैसे ये कैंडल्स को कट करना शुरू कर देंगे, आपने मार्केट में तब एंट्री नहीं करनी है अंटिल के ये दोनों लाइनें वाजिया तौर पर अलग अलग हो जाए। यहाँ पे दोबारा से हमें ईएमए ने दे दी है एंट्री कि आप यहाँ पे एंट्री कर लो। कितने डॉलर पे? $163 पे उसने कहा है कि आप एंट्री कर लो, और यहाँ से एमएसीडी भी बुलिश हुआ, उसने कहा एंट्री कर लो, और हिस्टोग्राम भी बनना शुरू हो गया, स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल, आपने यहाँ पे बाई कर लेना। 163 पे अगेन आपने बाई किया, और यहाँ से देखें ये देखें यहाँ पे आके नीचे, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे एमएसीडी ने कहा कि आप मार्केट से निकल जाओ, दूसरी इंडिकेशन मिल गई है कि छोटे छोटे हिस्टोग्राम बन रहे हैं। जब छोटे छोटे हिस्टोग्राम बने, इसका मतलब वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, ये कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है ठीक है। तब आपने मार्केट में टिके रहना है अंटिल के आपको ईएमए बताया कि आपने मार्केट से निकलना है, आपने मार्केट में टिके रहना है। ये देखें ये आपको एग्जिट करवा रहा है 168 पे, लेकिन ईएमए आपको दोबारा लेके जा रहा है और ये आपको 171 पे जाके सेट करवा रहा है यहाँ पे एक्जेक्टली ठीक है। थर्ड वेरिफिकेशन भी आपकी हो गई, हिस्टोग्राम भी बड़े बनना शुरू हो गए, तो मार्केट से एग्जिट कर जाना है। सिंपल इज दैट, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है ठीक है। इसी तरह दोबारा, सॉरी इसको मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ डॉट, और देखें अब यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे जो एमएसीडी है उसने कहा है कि आपने मार्केट से एग्जिट कर जाना है राइट। हिस्टोग्राम अभी छोटे बने हैं, तो डेफिनेटली आपने रेडी हो जाना है कि अभी मुझे मार्केट से एग्जिट करने का टाइम आ चुका है, लेकिन इधर से अभी तक बुलिश है, मार्केट में टिके रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों बिल्कुल करीब आए, उधर से ऑलरेडी एडवांस में एमएसीडी ने आपको बता दिया कि भाई मार्केट से निकल जाने, इधर से ये भी बता दिया, तो एकदम धड़म से मार्केट नीचे गिरा। कहाँ पे मार्केट था? 175, और यहाँ पे गिरा मार्केट 161 पे। सेलिंग सिग्नल स्ट्रॉन्ग मिला आपको, हिस्टोग्राम भी बड़े बनना शुरू हो गए ठीक है। इसके बाद आगे जाते हैं, इसी तरह आगे जाते हैं, ये देखिए इसके अंदर आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ले एंट्री ठीक है। और ये देखिएगा ऐसे ये जाता जा रहा है, ये देखिए यहाँ से फिर से स्पेस बनी है,
और यहाँ पे उसने कहा कि सेल कर दो, अगर आप मार्केट में तब थे आप यहाँ पे एग्जिट नहीं कर पाए हो। सेकंड वेरिफिकेशन उसने दिया कि भाई अब यहाँ से सेल कर दो, स्पेस भी बनना शुरू हो गई है, हिस्टोग्राम भी नीचे बनना शुरू हो गए, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन पहले मिल गए। देखें जब ये निकालता है ना, ये जब बहुत ये जब आपको स्ट्रॉन्ग सेलिंग्स या बाइंग सिग्नल मिलता है, ये तीनों वेरिफिकेशन इकट्ठी हो जाती हैं। और यहाँ पे मार्केट आपको एमएसीडी कह रहा है, ये देखें कि आपने एंटर करना है, क्योंकि ये बुलिश लाइन ऊपर जा चुकी है और जो रेड लाइन है वो नीचे जा चुकी है। एमएसीडी आपको सिग्नल दे रहा है कि भाई यहाँ यहाँ पे एंट्री कर लो, फेक सिग्नल है ये। अगर आप सिंपल एमएसीडी को सिंपल वे में यूज़ करते हो आपको नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये जो है ऊपर ईएमए है जिसकी हमने प्रोफेशनल सेटिंग सेट की है, ये कह रहा है एग्जैक्ट इसी पे आप देखो, ये जो पूरी लाइन है यहाँ पे ये इधर जा रही है राइट, और ये इधर चार्ट में भी ऐसे बन रही है। ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पे आपको बता रही है ईएमए कि आपने यहाँ से एग्जिट नहीं करना है अभी, सॉरी आपने यहाँ पे एंटर नहीं करना है। आपने ट्रेड जो है वो अभी जो भी आप लॉन्ग या शॉर्ट उस टाइम पे खेल रहे होगे, डेफिनेटली अभी मैं सेलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पे मार्केट में एंटर नहीं होना है, आपने बाय नहीं करना है, तो डेफिनेटली आपने रुक जाना है। आप देखें दोबारा से ये नीचे जा चुका है, इसने अभी तक आपको नहीं कहा है कि आप मार्केट में एंट्री कर जाओ, ये नीचे गिरा मार्केट ऐसे, और यहाँ से दोबारा आके इसने आपको बाइंग सिग्नल दिया। ये फेक सिग्नल था, ये आपको लॉस करवा सकता था ठीक है। कहाँ पे ये 162 प्राइस थी और ये नीचे जाके गिरा 155 के करीब जाके, $7 का आपको नुकसान हो सकता था ठीक। थोड़ी सी और इंटरप्रिटेशन लेते हैं। आई कैन एक्सपेक्ट के आपको अभी तक काफ़ी कुछ समझ आ चुका होगा वीडियो का। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। और ये देखें कि ये अब हम यहाँ पे हैं, आपको ये सिग्नल बता रहा है कि आप यहाँ पे एंट्री कर लो ईएमए, लेकिन आपको ये सेकंड वेरिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी यहाँ से पहले इसने कहा कि आप यहाँ से बाई करो ठीक। लेकिन हमें चूंकि ईएमए ने नहीं कहा था कि इजाज़त नहीं दी थी कि भाई आप एंट्री करो, आप वेट करोगे, आप यहाँ पे जाके एंट्री करोगे, तीनों को आपने इकट्ठे साथ लेके जाना है। और ऐसे आपने यहाँ से देखें, इसने पहले इंडिकेशन दिया कि भाई नहीं, ये जो आपने एंट्री ली है फेक सिग्नल आप इसको कह सकते हो, अब ये यहाँ पे जो एंट्री ली है डेफिनेटली वो आपको लॉस करवा सकती है। यहाँ से क्रॉस डाउन हो गया, यहाँ से भी क्रॉस डाउन हो गया, हिस्टोग्राम भी नीचे आना शुरू हो गया, तो आपने मार्केट से निकल जाना है। इन छोटे छोटे जो प्रॉफिट से ना आप अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। आपको ये पहली बात तो ये एंटर ही नहीं करने देगा मार्केट में, ये जो सेटिंग्स है ना, जब आप एंट्री करेंगी तीनों जो रोज आपको बताएं, इंस्टाग्राम वाला, ईएमए वाला क्रॉसओवर का और एमएसडी क्रॉसओवर का, जब आपको ये एंट्री करवा देंगे तो आपको श्योर श्योर प्रॉफिट होगा। यहाँ पे देखें सेम वही है, यहाँ पे अब हम लेते हैं, स्पेस भी बन गई, हिस्टोग्राम भी ऊपर बन गया, इधर से भी एंट्री मिल गई, एंट्री ले, यहाँ से आपने एंट्री मारी 160 पे गया, और ये देखें आपको कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है 172। लेकिन फेक सिग्नल यहाँ पे आपको एक और मैं दिखा देता हूँ, आपको पकड़ा जाएगा कि ये फेक सिग्नल कहाँ से एमएसीडी आपको निकाल रहा है। आपने यहाँ पे एंट्री ली है 160 पे और यहाँ पे आपको एग्जिट करवा रहा है एमएसीडी, लेकिन ये अभी ईएमए ने वेरिफिकेशन नहीं दी है उनका। ईएमए जो इंडिकेटर है वो कहता है मार्केट में रुके रहे, इसने तो आपको ऑलरेडी एग्जिट करवा दिया मार्केट से, लेकिन इसने एग्जिट नहीं करवाया, आपने रुके रहना है अनटिल के ये तीनों वेरिफिकेशन इकट्ठी हो जाएं। ये देखें यहाँ पे जाके उसने आपको दोबारा एग्जिट करवाया 171 पे, तीनों वेरिफिकेशन इकट्ठी हुई ठीक है। तो यहाँ से ऑलरेडी ये बेरिश था और नीचे भी हिस्टोग्राम बने थे, आपने प्रॉफिट कमाया और आपका डे ट्रेड वो कंप्लीट हुआ, या शॉर्ट टर्म ट्रेड में आपने प्रॉफिट कमाया ठीक है। इस तरह आपने इन सेटिंग्स को यूज़ करना है और बहुत ही इजीली आपको प्रॉफिट मिलेगा। जो टेक्निकल एनालिसिस है या इंडिकेटर्स को राइट वे में यूज़ करना है वो ये मुश्किल काम नहीं है, बच्चों का खेल है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या इन सीक्रेट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।